इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 बोर की 4 बंदूकें और कारतूस जब्त की गई है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी हेडक्वार्टर सूरज वर्मा ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। उक्त सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 बदमाशों को हिरासत में लिया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार बरामद किए गए। इस दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों द्वारा चोरी और नकाबजनी की कई वारदात कबूली गई है। क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने मिलकर एक अंतर डिस्ट्रिक्ट गिरोह को पकड़ा है, जिसका सिकंदर गिरोह नाम से ये जो अपना ग्रुप चलाते थे, और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है डकैती की योजना बनाते हुए। एक उसमें भागने में सफल रहा अंधेरे में, और इनके पास से कब्जे की 4 12 बोर की बंदूकें मिली हैं, जो शासकीय वन विभाग की बंदूकें थी, जो 2017 में चोरी हुई थी देवास से, जिसमें प्रकरण भी कायम है और उसमें 10,000 का इनाम भी देवास पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया है। तो इसमें जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, उनका नाम है सिकंदर जो कि देवास का मूलतः रहने वाला है, वसीम जो भी देवास का ही रहने वाला है, एक मोहम्मद जाकिर है जो खुड़ैल का रहने वाला है, और एक राम भरोसे जो हरदा का रहने वाला है। तो इन सब से पूछताछ की गई है, और एक लसूड़िया की घटना इन्होंने कबूल की है, देवास की घटना जिसमें शासकीय बंदूक गई थी वो कबूल की है, और भी पुरानी वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।